हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सेवंथ क्लास की इंग्लिश की रेनबो बुक है और इसका ये लास्ट चैप्टर है, लेसन 17। आई लव नेचर, मैं नेचर को पसंद करता हूँ, मैं नेचर को प्यार करता हूँ। ठीक है, तो नेचर इसको कैसी लगती है उसके बारे में पूरा डिटेल है। ये पोइम है और एक छोटा सा यहाँ पे एक इमेज भी दी गई है, दो पेड़ इधर से, पहाड़ और झरना सा गिरता हुआ, धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी सी नदी, बहुत प्यारा सा सीन है। तो पोइम को देखते हैं, पोइम में क्या कहता है कवि। आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स सो अर्ली इन द मॉर्न, आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज सून आफ्टर दे आर बॉर्न। आई लव मतलब मुझे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, साउंड ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों की आवाजें, पक्षियों की आवाजें मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे प्रिय हैं, मुझे पसंद हैं। सो अर्ली इन द मॉर्न, मॉर्न का मतलब मॉर्निंग से है, सुबह से है। सो अर्ली बहुत जल्दी, सुबह अति भोर के समय, जो एकदम सवेरे सवेरे होता है, जब पक्षी अपनी अपनी आवाज में अपना अपना गुणगान करते हैं, अपनी अपने गीत गाते हैं ऐसे कहिएगा, या चहचहाते हैं ऐसे कहिएगा। जो लोग सुबह जल्दी जग जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग, सूरज निकलने से पहले बहुत सारे पक्षियों की आवाजें आपको सुनने को मिलेगी, किसी भी पेड़ के पास, किसी बगीचे के पास, आपके घर के आसपास। किसी दिन जल्दी जगते हो तो महसूस कीजिए, और जो जल्दी जगते होंगे उनको पता भी होगा। तो आई लव द साउंड ऑफ बर्ड्स, मुझे पक्षियों की आवाजें प्रिय हैं, और जो बहुत ही सवेरे भोर के समय में हुआ करती हैं। आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज, पपीज का मतलब होता है जो पिल्ले होते हैं, कुत्ते के बच्चे हैं। द चाइल्ड ऑफ डॉगी, डॉगी के जो बच्चे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पपी। पपी का ये प्लूरल फॉर्म है। मुझे पिल्लों की आवाज अच्छी लगती है, सून आफ्टर दे आर बॉर्न, जो उनके जन्म लेने के बाद की आवाज होती है, जन्म लेने के तुरंत बाद की आवाज होती है, मतलब बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, जो एक ही दिन के हों, वो वाले बच्चे। सेकंड देखिएगा, आई लव द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, मुझे पसंद है, मुझे प्रिय है फूलों की सुगंध, स्मेल मीन्स सुगंध, फूलों की सुगंध मुझे पसंद है। एंड द टेस्ट ऑफ हनी फ्रॉम बीज, और जो टेस्ट है, स्वाद है, किसका, शहद का स्वाद, फ्रॉम बी, जो मधुमक्खियों से प्राप्त शहद होता है उसका भी मुझे स्वाद अच्छा लगता है। आई लव द साउंड ऑफ विंड मेक्स, मुझे वो भी पसंद है, क्या पसंद है, प्रिय है। आई लव का मतलब यहां प्यार करने से नहीं होता, मुझे प्रिय है। द साउंड ऑफ विंड मेक्स, जो आवाज होती है, आवाज काहे की होती है, देखिए दूसरी लाइन में, व्हेन इट इज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज, जब ये हवा, इट इज ब्लोइंग, जब वो बहती है, जब बह रही होती है, थ्रू द ट्रीज, पेड़ों के बीच से, वृक्षों के बीच के अंदर से जो हवा निकलती है, जो पत्तों की सरसराहट से हवा बनती है, या पेड़ के अंदर जो हवा निकल के जाती है पत्तों के बीच में से, उस हवा को भी मैं पसंद करता हूं। ठीक, जो आवाज बनती है किसके द्वारा से, हवा के द्वारा। इसको दोबारा देखिए, आई लव, मुझे प्रिय है, द साउंड ऑफ विंड, हवा की वो आवाज, मेक्स, जो बनती है, काई से बनाती है हवा, व्हेन इट इज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज, जो पेड़ों के अंदर से हवा गुजरती है उस वक्त, जो साए साए की भीनी भीनी सी आवाज होती है, हल्की हल्की सी मधुर मधुर आवाज होती है, वो भी मुझे पसंद है। कवि कहता है कि आई लव नेचर, मुझे नेचर प्रकृति प्रिय है। कैसे प्रिय है, आपने ये दो में देखा है। बहुत ध्यान से आराम से पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर चैप्टर सहित सारा कुछ मैंने करवाया है, तो आप इसको आराम से देखिए। देखो एक दूसरा फोटो भी मैं पहले ही दिखा दूं पढ़ाने से पहले, ये पूरा नजारा देखिए, प्राकृतिक है, बादल भी है, सूरज भी है, नीचे पेड़ भी है, नीचे कुछ पहाड़ का भी एरिया दिख रहा है, कुछ पानी सा भी दिख रहा है। तो इस तरह की नेचर होती है, उसको अच्छा लगता है। आगे देखिएगा, आई लव द वे द स्काई लुक्स, मुझे प्रिय है वो रास्ता, वो तरीका, द स्काई लुक्स, मुझे जिस तरह से आकाश दिखाई देता है, मुझे वो भी तरीका अच्छा लगता है। ऑन ए ब्राइट एंड सनी डे,
एक ब्राइट का मतलब उजला हुआ दिन, मतलब जिस दिन खिली हुई धूप निकली हो, ब्राइट चमकीला दिन। एंड सनी डे, सनी का मतलब धूप निकला हुआ चमकीला दिन। एंड इवन वेन इट इज रेनी, और जब यह बरसात वाला दिन हो जाता है तब भी मुझे अच्छा लगता है। आई लव द सेड्स ऑफ द ग्रे, जो ग्रे का मतलब होता है स्लेटी रंग की अलग अलग चीजें होती हैं, वो भी मुझे अच्छी लगती हैं रेनी सीजन में, जो बरसात के दिनों में जो स्लेटी रंग के विभिन्न विभिन्न रंग प्रिय हो जाते हैं उस वक्त में। हर मौसम का एक अलग अलग अच्छा लगता है। जैसे बहुत तेज मई जून की गर्मी पड़ी हो अपने भारत में और बहुत तेज धूप निकली हुई हो, सारी चीजें सूखी सूखी सफेद सी हो जाती हैं, उस वक्त अच्छा नहीं लग पाता है। लेकिन जब वही चीजें बरसात आ जाती हैं, चीजें वही हैं, और बरसात के समय वही सारे पेड़ पौधे वही जमीन अच्छी लगने लग जाती है। आई लव द स्मेल ऑफ द ओशियन, मुझे प्रिय है महासागरों की जो सुगंध है। द साउंड ऑफ वेव्स अपॉन द सैंड, अपॉन द सैंड मतलब बालू पर जो उसकी आवाज होती है, लहरों की आवाज होती है रेत पर। साउंड ऑफ वेव्स, लहरों की आवाज जो बालू पर हुआ करती है। आई लव द फील ऑफ सी सेल्स, द हाउ दे लुक इन माई हैंड, मुझे प्रिय है। फील मीन्स महसूस करना, उसको छूना। ऑफ सी सेल्स मतलब समुद्री सीपियां, जो सीपी होती हैं समुद्र की, उनको छूना या उनको महसूस करना भी मुझे प्रिय है। एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड, मेरे हाथ में वो कैसी लगती है। कवि पूरा नेचुरल वातावरण का वर्णन कर रहा है यहां पे, प्राकृतिक वातावरण के लिए। एंड वेन द सन इज गॉन, और जब सूरज चला जाता है, सूरज चला जाता है का मतलब सूरज जब अस्त हो जाता है। आई लव द मून दैट शाइन्स सो ब्राइट, मुझे प्रिय है वो चंद्रमा जो चमकता है, सो ब्राइट, इतना चमकीला उज्जवल जो चंद्रमा चमकता है, वो भी मुझको प्रिय लगता है जब सूरज के जाने के बाद। बच्चों मेरे पढ़ाए हुए आपको कैसा लग रहा है? मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और करवाएं। घर में जितने भी फोन हैं, 2 3 4, सबके फोन से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताया करें। मैं हर चैप्टर के साथ साथ आपको कुछ अतिरिक्त नॉलेज भी देता हूं। आज भी मैं आपको कुछ दूंगा अभी लास्ट में, ये वजह दो पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर भी है, सब कुछ आपको मिलेगा। मैथ भी है, आपके दूसरे सब्जेक्ट भी हैं, ग्रामर भी मैं क्लास स्टार्ट कर चुका हूं। ग्रामर के वीडियो मेरे देखते रहिएगा आप लोग, आपकी ग्रामर, ट्रांसलेशन बनाना, स्टोरी बनाना, एक्टिव पैसिव, नरेशन, सब कुछ बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। चलिए, एंड वेन द सन इज गॉन, ये सूरज जब चला जाता है, आ मुझे पसंद है, मुझे प्रिय है द मून, वो चंद्रमा जो चमकता है सो ब्राइट, इतना चमकीला। आई लव द साउंड ऑफ क्रिकेट एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट, मुझे प्रिय है क्या क्रिकेट्स की आवाज। यहाँ क्रिकेट का मतलब क्रिकेट गेम से नहीं है, यहाँ क्रिकेट का मतलब झिंगुर से है। जो जो झिंगुर की जो आवाज होती है, रात को आपने कभी देखा हो, सुना हो, आप अपने घर में जब कभी भी शांत हो, बिल्कुल सारी लाइट बंद हो, उस वक्त एक अजीब सी ची ची की सी आवाज आती है, उस आवाज को महसूस करिए, वो झिंगुर की आवाज होती है, क्रिकेट साउंड। एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट, और रात्रि के अन्य दूसरे कीड़े मकोड़ों की जो आवाजें होती हैं, जीवों की जो आवाज होती हैं, वो भी मुझे अच्छी लगती हैं। सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, और जब मैं सोने के लिए लेटता हूं, सो व्हेन आई ले मी डाउन टू स्लीप, जब मैं सोने के लिए लेटता हूं, आई थैंक द लॉर्ड एवर, मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं, ईश्वर का धन्यवाद करता हूं, फॉर ऑल द थिंग्स, इन सारी चीजों के लिए, नेचर के लिए, एंड मोर, और भी बहुत सारी दूसरी चीजों के लिए, ऑल द थिंग्स आई लव, जो उन सभी चीजों के लिए जो मुझे प्रिय हैं, आई लव, जिनको मैं प्रिय हूं, उन सारी चीजों के लिए। तो ये एडोनी मार्केनो नाम के विद्वान पोइट हुए हैं, उन्होंने इसको लिखा है, और इसके आगे इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वर्ड मीनिंग, सारी चीजें आपको मिलेंगी, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मेरा चैनल। दूसरी चीज, इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको कुछ संदेश देना चाहता हूं। जैसे आई लव नेचर है, आप सभी 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप भी कभी कभी प्रकृति का नजारा जरूर देखा करें,
किसी नदी के किनारे, किसी बाग बगीचे में, किसी ट्यूबवेल के पास, ऐसी जगह पर जाइएगा जहाँ प्राकृतिक दृश्यों का दर्शन हो। वहां पर उनको देखिए, उनको समझिए, उनकी सुंदरता को समझने की कोशिश करें। किस तरह से पेड़ होते हैं, पेड़ पे फल होते हैं, फल किसी पेड़ खुद नहीं खाते हैं, किसी दूसरों के लिए देते हैं, ये परोपकार की भावना है। तो समझने और जानने के लिए हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो प्रकृति के हमेशा संपर्क में बने रहिएगा। जो जितना प्रकृति के संपर्क में रहेगा उतना ही ज्यादा स्वस्थ और अच्छा महसूस करेगा। जो जितना विलासिताओं में चले जाएंगे वो उतने ही शारीरिक कष्ट में, परेशानियों में चले जाएंगे। इसलिए जो कवि का कहने का ये मतलब है ऊपर से नीचे तक, इन्होंने कहा एक एक चीज की सुंदरता को देखिएगा और निहारिएगा, ये आपके मानसिक संतुष्टि प्रदान करेंगी, कुछ मानसिक सुख प्रदान करेंगी। तो इसके क्वेश्चन आंसर की ओर, हमेशा की तरह सबसे पहले वर्ड मीनिंग, जो न्यू वर्ड्स आए हुए हैं, जो फ्रेजेस आए हुए हैं उनको देखते हैं। मोर्न, मोर्न का मतलब होता है सुबह, मोर्न से बना है मॉर्निंग, ठीक। ग्रे, ग्रे का मतलब ग्रे कलर जो होता है सिलेटी रंग का, उसके लिए। वेव्स, वेव्स मींस लहरें, वेव्स। सी सेल्स, समुद्र की सीपी, सीपी होती है समुद्र में। क्रिकेट्स, झींगो, ये क्रिकेट्स होता है, क्रिकेट्स, और वो क्रिकेट होता है जो खेलने वाला गेम होता है, दोनों के थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में अंतर है। क्रीचर्स, क्रीचर्स मींस जीव, प्राणी, जंतु। लॉर्ड मींस ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, ठीक। तो ये वर्ड मीनिंग हुए, और इसके आगे आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। ये इसके 6 क्वेश्चंस हैं। आपको पता है मैं हर बार सबके लिए क्वेश्चंस अपनी भाषा में अपने हाथ से लिखे हुए आपके लिए तैयार करता हूं, तो देखते हैं उनको। तो उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोइम अबाउट, पोइम किसके बारे में है। तो द पोइम इज अबाउट द पोइट्स लव फॉर नेचर एंड ऑल थिंग्स अराउंड हिम, जो सभी चीजें उसके आसपास हैं, जिनको पोइट लव करता है, प्यार करता है, पसंद करता है, उन सब प्राकृतिक चीजों के लिए, नेचुरल चीजों के लिए इस पोइम को लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट एक्सप्रेस हिज लव फॉर हिज नेचर इन द फर्स्ट स्टेंजा, पहले स्टेंजा में। हाउ डज द पोइट एक्सप्रेस, किस प्रकार से वर्णन करता है कवि हिज लव, अपने प्रेम का, अपने लगाव का, फॉर हिज नेचर, अपनी प्रकृति के साथ किस तरह से वर्णन करता है पहले स्टेंजा में। द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है कि ही लव्स, उसको प्रिय है, प्रिय लगता है क्या, द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाई बर्ड्स, चिड़ियों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है उसको, एंड द साउंड्स मेड बाई पपीज, और जो साउंड पपीज के द्वारा होती है, पपीज होते हैं जो कुत्ते के छोटे छोटे न्यूली बॉर्न पिल्ले होते हैं, छोटे छोटे से पिल्ले उनकी, अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह, जस्ट आफ्टर दे बॉर्न, जब वो पैदा होते हैं उसके जस्ट थोड़ी देर बाद की आवाज को उसको प्रिय लगता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच सेड डज द पोइट लव ड्यूरिंग रेन, बरसात के दौरान, जो ड्यूरिंग जहां लगता है उसका मतलब होता है के दौरान, किसी चीज के दौरान, रेन के दौरान। विच सेड, कौन सी छाया डज द पोइट लव, पोइट लव को, पोइट को अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। द पोइट लव्स ऑल द शेड्स ऑफ द ग्रे ड्यूरिंग द रेन, रेन के दौरान पोइट को अच्छी लगती है शेड ऑफ ग्रे, ग्रे कलर की जो छाया होती है, सिलेटी कलर की जो छाया होती है वो उसको अच्छी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोइट लव्स एट नाइट, व्हाट आर द थिंग्स, कौन सी वो चीजें हैं जो द पोइट लव्स, पोइट को प्रिय लगती हैं एट नाइट, रात को। द पोइट लव्स साउंड्स मेड बाई क्रिकेट्स, जो झींगुर के द्वारा साउंड होती है वो, एंड अदर क्रीचर्स, और अन्य जीवों के द्वारा जो आवाज होती है वो अच्छी लगती है। दैट आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, जो रात को एक्टिव होती है, रात को आती है, झींगुर मोस्टली रात को ही आवाज निकालते हैं, दिन में बहुत कम निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 5th क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स हूज साउंड्स आर एंजॉयड बाय द पोइट,
उन चीजों की लिस्ट बनानी है जिनको जिनकी साउंड आर एंजॉयड पसंद की जाती है बाय द पोइट पोइट के द्वारा। ये पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस मैंने पढ़ा रखे हैं, आप ग्रामर क्लास अटेंड कीजिएगा वहां से आपको सब मिल जाएगा। तो इसका आंसर देखिए द पोइट लाइक्स द साउंड। पोइट को कौन कौन सी आवाजें अच्छी लगती हैं? हैं पप्पीज आफ्टर दे बॉर्न, जो पिल्ले होते हैं पैदा होने के बाद, विंड ब्लोइंग थ्रू ट्रीज, जो हवा जो बहती है पेड़ों के बीच में होकर, वेव्स अपॉन द सैंड, जो हवा की लहरें होती हैं वो बालू के ऊपर, क्रिकेट्स एंड अदर नाइट क्रीचर्स, जो क्रिकेट हैं और दूसरे रात्रिचर प्राणी होते हैं उनको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होम डच द पोइट थिंक व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप। होम डच द पोइट थिंक, रात को किसको थैंक बोलता है? व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप, जब पोइट सोने के लिए जाता है तब किस किस को थैंक बोलता है? द पोइट थैंक्स द लॉर्ड, पोइट लॉर्ड को ईश्वर को धन्यवाद देता है व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप, जब वो सोने जाता है। ये इसका वर्ड पावर है और ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है, सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, और मैं आपको बता दूं कि क्लास फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक सारा यूपी बोर्ड का, एनसीईआरटी का, बीए एमए ग्रामर सभी इंग्लिश मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। रीड द पोइम केयरफुली एंड मैच द सेंसेस इन कॉलम ए विद द कनेक्टिंग फंक्शंस और एक्टिविटी इन कॉलम बी। आपको पहले वाले से शब्द देखना है और उनकी एक्टिविटी को इधर देखना है। ठीक है, तो ये है साइट। साइट का मतलब होता है कोई देखना, दृष्टि, ब्यूटी और ब्राइट, ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सनी डे। तो इसको साइट को यहां पे जोड़िएगा इसको इसके साथ। स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सूंघना किसी चीज को, तो स्मेल काई की होती है फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, ये इसको यहां पे जोड़िएगा इसको। टेस्ट, टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, और स्वाद का चीज का होता है स्वीटनेस ऑफ हनी, शहद का स्वाद। टच, टच का मतलब होता है, टच कैसे करते हैं हम लोग किसी चीज को छूकर, स्मूथनेस ऑफ सी सेल्स, तो जो सी सेल्स हैं समुद्र की सीपियां हैं उनकी स्मूथनेस को टच करके देखता है। और हियर का मतलब होता है साउंड ऑफ पपीज, ये इसके साथ ही सभी लग चुके हैं। ये कुछ एक्टिविटी है, ड्रॉ ए सीन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट फाइव लाइन्स अबाउट इट, किसी एक पे आपको चित्र बनाना है और उसके बारे में पांच लाइन लिखनी है। सनसेट, छुपता हुआ सूरज, डेजर्ट बिल्कुल रेगिस्तान का, और बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र का किनारा, जिस जगह पे किनारे पे बहुत सारे लोग पहुंचते हो देखते हो, ऐसी सीनरी टाइप की बनानी है और पांच लाइन उस पर आपको लिखनी है। तो इसको आप लोगों को आपको अपने आप ही करना है, किसी एक पे क्या, मैं तो कह रहा हूं तीनों पे बना दीजिए आप लोग। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये बुक यहां पे समाप्त होती है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं आगे भी, अर्थ क्लास का भी बना हुआ है। और कोई प्रॉब्लम हो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो अपना फोन नंबर भेज सकता है और मैं उसे कॉल करके उसकी समस्या का समाधान भी कर सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर आपको, गुड बाय, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय।